टेक मोवी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम। जैसा कि दोस्तों सैमसंग के इस मोबाइल फ़ोन में माइक की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप हमारे सामने कि एक डायग्राम है जो मैंने बनाया है कि माइक को है ना यूनिवर्सल माइक आईसी वाले माइक को रिमूव करके कैसे सॉल्व करते हैं, लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम है, यहाँ पे ये जो मदरबोर्ड है सैमसंग का वो इस तरीके का है। यहाँ पे जो आईसी जहाँ लगाई जाती है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो ऊपर के तीन ट्रैक है और नीचे दो ग्राउंड के हैं वो यहाँ पे मैंने बनाया है। इस पर आपको क्या करना है कि एक रेजिस्टेंस लेना है 47K का, इस तरीके से इस पर सोल्ड करना है जैसे यहाँ पे मैंने सोल्ड किया है, और एक यूनिवर्सल माइक लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नीचे के दो जो ट्रैक है इस पर आपको ग्राउंड करना है, मतलब ये दो ग्राउंड ही है, एक जम्पर यहाँ से लेना है इस तरीके से, और यहाँ पे जो ये ट्रैक है प्लस का यहाँ से भी एक जम्पर इस तरफ के लेना है, जैसे कि ये यहाँ पे लिया गया आपके सामने डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाना है, उसको यहाँ पे सोल्ड करना है, और एक ये जम्पर लेके इसके ऊपर वाले छोर पे सोल्ड करना है। फिर इसको यहाँ से आपको लाना है और एक यूनिवर्सल माइक लेना है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि यूनिवर्सल माइक लगाया गया है। तो इसमें क्या करना है आपको, यूनिवर्सल माइक में कि एक रेड वायर है तो उसको आपको प्लस वाले सिरे में पॉजिटिव जो है उस तरफ से सोल्ड करना है, और ये ब्लैक है जो यहाँ पे नेगेटिव है उस तरीके से इसमें सोल्ड करना है। अब मैं आपको ये मदरबोर्ड बता देता हूँ जिस पे मैंने सोल्ड किया है। अब आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके का सोल्डिंग किया गया है, एक जम्पर ये नीचे जो ग्राउंड है और ऊपर जो पॉजिटिव है वहाँ से इस तरफ, और ये यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो रेजिस्टेंस लगाया 47K का। इस तरीके से अगर आईसी वाले माइक को रिमूव करके आप आसानी से इस तरीके से यूनिवर्सल माइक लगा सकते हैं, और फ़ोन अच्छे फिर वर्क करने लग जाएगा माइक से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है फ्रेंड्स।